अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शहद टीवी और मैं हूं शहद हुसैन। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बार बार बना सकूं। मैंने आपको कल भी कहा है कि मेरे पास 10th चैप्टर मुकम्मल हैं, आप ये देख सकते हैं। ये 13वां चैप्टर है, 13th चैप्टर है, ये 12 है, ये 11 है, ये 10 है और इसके साथ ही ये 9th चैप्टर है और ये 8th चैप्टर है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, आप देख रहे हैं 3 है, 2 है, 1 चैप्टर नंबर 1। मैंने कल आपको जो आपको दिया है मिसाल दी है, जब वो आपको वीडियो दिया है वो पहले चैप्टर का था, पहले ही सवाल में से पहले 3 जुज थे। लेकिन मैं आपको ये बताते चलूँ कि इसके साथ साथ मेरे वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। मैं आपको ये बताऊँ कि ये मैंने अभी 10th क्लास का ये जो कंप्यूटर सिस्टम है मैंने बनाया, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं आपके साथ ये नर्स 1 क्लास से लेकर FSC तक मुकम्मल ये ऑल कोर्सेज के सब्जेक्ट मुकम्मल आपके सामने मैं पेश करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले जो काम अपने मकसद की तरफ आते हैं कि ये पहले क्या करना है, आइए चलते हैं कि वीडियो को कैसे कैसे पेपर सॉल्व होता है। पहले चैप्टर के आपने आपके सामने ये पहले चैप्टर आपको दिखाई देते हैं, ये सबसे पहले मैं यही पहले चैप्टर ओपन करता हूँ, देख लीजिए आप। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1 ये आप खूब देख रहे हैं कि ये सॉल्व मैंने जूम कर दिया है, ये देख रहे हैं आप खूब देख रहे हैं कि सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। ये पहला सवाल था, मैंने आपके लिए ये कल समझा दिया आपको, ये दूसरा सवाल है और ये तीसरा सवाल है। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको लिए पेश कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप x की पावर 4 प्लस x प्लस 4 और x माइनस 2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने ये सोल्यूशन लिखा है कंप्यूटर पर, ये सिस्टम मैंने बनाया सिर्फ आज के लिए बनाया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले ये जो मैं बना रहा है मेरे अपने ही इलाके में, अपने गांव में ज़्यादातर लोग मैट्रिक में सप्ली ले लेते हैं या रिपीटर ले लेते हैं क्योंकि उनका फोकस इन पर ही होता नहीं है, मैथ पर होता नहीं है। टीचर जब समझाने लगता है तो उनके होश अवश्य उड़ जाते हैं, स्कूल में टीचर क्लास में नहीं रह जाते, वो कभी कहाँ कभी कहाँ गुम हो जाते हैं, अपने ख्वाबों में गुम हो जाते हैं। लेकिन घर आकर उनको कुछ का इल्म नहीं होता, ये क्यों होता। लेकिन ये मैं आपके लिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि ऐसी वीडियो को आप बार बार देखें, यूट्यूब पर देखें और आपके जहन में ये सवालात आ जाए और कभी ना भूल सके। ताकि ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले सवाल लिखा होगा, सवाल के नीचे आपको ये चीज़ सोल्यूशन जिस पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर के साथ, आप देख रहे हैं रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद इसके साथ ही इस सवाल को फिर आपको वही के वही दोहराना है जैसे कि नीचे दोहराया गया है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले x माइनस टू माइनस एक्स का यहाँ LCM लिया है, आप देख रहे हैं कि x x माइनस टू यहाँ फिर मैंने x या s को या इस से तकसीम कर दिया है, x इंटू x माइनस टू तकसीम x माइनस टू जवाब यहाँ x है या x को यहाँ है, ये इस x को यहाँ लिख दिया और ये x की पावर 4 ये इसके सिम फिर वो ही लिख दिया, फिर यहाँ माइनस लिखा, फिर यह ब्रैकेट शुरू स्टार्ट कर दी। आप देख रहे हैं यहाँ फिर इस चीज़ को मैंने s से तकसीम कर दिया है, ये जवाब है x माइनस टू यहाँ फिर, क्योंकि आपको ये बताना है आपको ये आपके जहन में ख्याल आएगा यहाँ x माइनस टू है लेकिन यहाँ x की मैं x माइनस टू होल टू क्यों आया, पावर टू क्यों है, ये इसलिए है कि ये इससे फिर जब इसको इस पर तकसीम किया गया है तो ये चीज़ हमें इजाफी में मिला है इसलिए इसके पावर कर देंगे x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस टू, ये जवाब आया। फिर इसके साथ ही 4x माइनस टू ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्यों आया, ये इस वक्त आया कि आप देख सकते हैं कि पहला अलजेब्रा जुबरा में पहला फार्मूला है x माइनस टू x प्लस टू इज इक्वल टू x प्लस टू माइनस टू, वही फार्मूला है। आप इसके साथ ही देख सकते हैं कि ये इसको फिर इससे ऐसे ज़र्ब दिया x की पावर 2 प्लस 4x माइनस का मैंने लगा दिया, फिर इसी को यहाँ आप देख रहे हैं कि ये है, आप देख रहे हैं खूब से देख रहे हैं, फिर मैंने ये जवाब आया इसके साथ ही, फिर जवाब ये है मेरे पास, ये फिर 0 के इक्वल हो गया है, ये 0 के इक्वल हो गया है। इसके साथ ही मैंने ये कर दिया 4x
इनको फिर मैंने आपस में ज़र्ब दे दिया है, देख सकते हैं आप x की पावर 2 प्लस 4x, ये इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, फिर माइनस x की पावर 2, ये मैंने ये चीज़ मैंने यहाँ पर ही लिख दी, ये इन तीन फिगर है जो x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 4, x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 4, ये कि ये लिख दिया, फिर x की पावर 2 माइनस 4x की पावर 2 माइनस 8x यहाँ पर इज इक्वल टू 0 को लिख दिया मैंने, फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर मैंने इनको माइनस कर दिया, जो माइनस कर कम थे x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 प्लस x 4x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ से ये भी x की है, इस x को इस x से कैंसिल कर दे क्योंकि ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, इसलिए ये कैंसिल हो गया, ये 4x की पावर 2 है यहाँ पर इस कोई अदद ने जो यहाँ इसको नफी कर दे या माइनस कर दे, लेकिन इसके साथ ही मैंने ये लिखा 4x की पावर 2, यहाँ मैं आपको ये देखा 4x की पावर 4 4x की पावर यहाँ है, इसको यहाँ ऐसे मैंने लिख दिया है, ये देख सकते हैं आपको बेहतरीन, फिर इनको जमा कर दिया, फिर माइनस 8x माइनस 4 बराबर इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर मैंने इस 4x को इस 8x का माइनस कर दिया, 4x की पावर 2 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ मैंने 4 को कमन ले लिया, x की पावर 2 माइनस इक्वल 1 इज इक्वल टू 0, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो ये चीज़ होगा ये हमारा आंसर और जवाब होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दूसरा सवाल है, पाँचवा सवाल है, आपको दिखाई देगा x प्लस 4 एक्स प्लस फोर एक्स प्लस 3 आवर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 आवर एक्स इक्वल टू 1, ये सोल्यूशन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पेपर में इस चीज़ को लिखना मत भूले क्योंकि एग्जामिनर से हमें नंबर लेने होते हैं, एग्जाम नंबर लेने के लिए ये चीज़ लाजमी लिखना और इसके साथ ही ये चीज़ भी लाजमी लिखना होता है ताकि एग्जामिनर को नंबर काटने का कोई चांस ना दिया जाए। इसके साथ ही मैंने यहाँ मल्टी एलसीएम लिया, 4x इक्वल टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, फिर यहाँ देखें आप मैंने ये एलसीएम लिया, इसके साथ x इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स बराबर मैंने एक रख दिया है। नीचे मैं आपको ले चलूँ कि यहाँ पर फिर जो जवाब आया ये x पावर 2 प्लस 3x माइनस x x माइनस 5 माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू x x प्लस 4, x की पावर 2 प्लस 3x माइनस x की पावर 2 5x माइनस 4x प्लस 20x की पावर 2 प्लस 4x, आपको ये आप देख रहे हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो जो पावर के रकम को मैंने 7 कर दिया, 4x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 3x प्लस 5x माइनस 4x प्लस वी प्लस 20, यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 4x, इस x को मैंने इस x से कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक ही सेंट है, फिर 3x प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस 4x, यहाँ पर 4x ही रह गया है, यहाँ देख सकते हैं ये 8x टोटल होते हैं, 8x में से 4x निकाल दिया बाकी 4x रह गया प्लस वी 20 एक्स पावर 2 प्लस 4x ये रह गया है। फिर मैं ये इसको इस चीज़ को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, x की पावर 2 माइनस x पावर 2 प्लस 4x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये जो आप माइनस x की पावर 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स की पावर 2 नफी फी 20 इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स की पावर 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो ये देख रहे हैं ये हमारे पास जवाब ही होगा। इसके साथ मैं आपको बताते चलो ये तीसरा सवाल आपको मैं जो आज समझाने जा रहा हूँ ये सवाल है, ये फिर ये छठा सवाल है इस क्वेश्चन का, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 आवर ये सोल्यूशन लिख दिया मैंने ताकि बच्चों को बार बार समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, तो कि बच्चे होते हैं उनको समझने में नहीं आते कि क्या कुछ करना है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलो कि इस सवाल को फिर मैंने यहाँ रिपीटेड कर दिया। इसके साथ ही मैंने यहाँ एलसीएम लिया, ये एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स मैंने इनका एलसीएम लिया, इसके एलसीएम लेने के साथ साथ जब मैंने इन चीज़ों को इस पर तकसीम कर दिया तो ये जवाब है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस, फिर मैंने इन चीज़ों को इस पर तकसीम कर दिया, ये एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 होल की पावर 2, फिर इसके साथ ही 25 आवर 12 ये जवाब आया है मेरे पास। इसके साथ मैं आपको बताता चलो जवाब जब मैंने ये देखा कि ये जवाब ये आया आपके सामने, आप देख रहे हैं कि क्या है, इसके साथ ही 25 एक्स पावर 3 ये 25 एक्स की पावर 25 एक्स ये देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ,
यहाँ पर मैंने एक्स को एक्स की रकम और जो अलग नेग्लेक्ट की जाती है एक्स की पावर टू है या एक्स की पावर टू है, ये प्लस टू एक्स की पावर टू लिखा है, थ्री एक्स एक्स और फोर एक्स ये आठ एक्स होते हैं, ये आठ एक्स मैंने लिख दिया, एट एक्स लिखी है और सेवन फोर ये और थ्री सेवन इधर इक्वल टू एक्स की पावर टू पाँच एक्स ये तीन एक्स और दो एक्स पाँच एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू पच्चीस ओवर ट्वेल्व। इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलो कि फिर इसी इस रकम को मैंने यहाँ आकर ज़र्ब दी और 12 को यहाँ आकर मैंने ज़र्ब दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बखूबी से आपको ये दिखाई दे रहा है 25 एक्स की पावर 2 प्लस 5 एक्स आप ये देख सकते हैं 25 एक्स की पावर 2 प्लस 5 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 12 एक्स पावर 2 प्लस 8 एक्स प्लस 7 आप ये देख रहे हैं एक्स की पावर टू प्लस 29 एक्स प्लस 66 इज इक्वल टू सिफर। इसके साथ मैं आपको बता दूं सवाल नंबर दो है सॉल्व द फ्रैक्शन एक्स की पावर टू माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू सिफर। सोल्यूशन लिखा मैंने एक्स की पावर टू माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू सिफर, एक्स की पावर टू माइनस 5 एक्स प्लस 4 एक्स नफी 20 इक्वल टू सिफर, एक्स की पावर एक्स एक्स माइनस 4 यहाँ देख रहे हैं आपको मैंने ये सॉल्व करके दिया है। एक्स को यहाँ कमा लिया मैंने एक्स माइनस 5 आया या 4 को कमा लिया एक्स माइनस 4 आई, जवाब आया एक्स एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5। मैं आपको ये बता चलूँ कि ये एक्स की पावर 4 एक्स माइनस 5 इक्वल टू सिफर आया है। इसके साथ ही दूसरा सवाल आप देख रहे हैं 3 वाई के पावर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई वाई माइनस 5 ये सोल्यूशन मैंने लिख दिया है। 3 वाई के पावर 2 वाई 1 इज इक्वल टू वाई वाई 3 वाई के पावर 2 इज इक्वल टू वाई पावर 2 माइनस 5 एक्स, क्योंकि इस वाई को इसके साथ ज़र्ब दिया और वाई को 5 के साथ ज़र्ब दिया, ये आंसर है 3 वाई के पावर 2 माइनस वाई के पावर 2 प्लस 5 एक्स, 5 वाई इज इक्वल टू सिफर, 2 वाई के पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू सिफर, वाई इज इक्वल टू 2 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू सिफर, वाई इज इक्वल टू सिफर और 2 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू सिफर, 2 वाई माइनस 1, क्योंकि यहाँ मैंने फिर ऐदर कर दिया है कि ये किसके बराबर होंगे, ये इसीलिए मैंने कर दिया कि यहाँ पर जो बराबर ही रहता है ये 2 वाई बराबर माइनस 1 आया, वाई इज इक्वल टू इस दो को फिर यहाँ पर ले आएंगे, ये जवाब हमारा जो जवाब होगा सोल्यूशन होगा ये ही होगा। मैं आपको ये बता चलो कि जो तीसरा सवाल है हमारे पास एक्स माइनस 32 एक्स इक्वल टू 17 एक्स पावर 2 मैंने यहाँ सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के साथ 4 माइनस 32 एक्स इक्वल टू 17 एक्स पावर 2 17 एक्स पावर 2 प्लस 32 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू सिफर, 17 एक्स पावर 3 प्लस 34 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू सिफर, 17 एक्स एक्स प्लस 2 माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू सिफर, 17 एक्स पावर 2 एक्स मैंने ये आपको बताता चलो कि मैंने ये जो जवाब आंसर निकला है ये लास्ट में 7 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ये मैंने आप जवाब निकाला। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसको 7 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू सिफर, एक्स इज इक्वल टू सिफर इज इक्वल टू सिफर। फिर मैं पहले सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, इस राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को लेता हूँ बाद में राइट हैंड को लूँगा। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ 7 एक्स प्लस 17 एक्स इक्वल टू 2 यहाँ माइनस था, यहाँ जब लेफ्ट हैंड पर जाएगा ये माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 बटा 7 ही आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस का 2 है, यहाँ एक्स प्लस में नहीं जाना, जो जवाब जवाब आया हमारे पास यही जवाब आया है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये अगला सवाल है एक्स की पावर 2 इज माइनस 11 एक्स इक्वल टू 152, यहाँ एक्स की पावर 2 माइनस 11 एक्स इक्वल टू 152 लिखा है। मैंने ये आपको बताया ये सोल्यूशन लाजमी लिखना होता है, हर सवाल से पहले सोल्यूशन लिखता है और सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होता है इंग्लिश में, अगर आप उर्दू मीडियम में हल कर रहे हैं फिर भी सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में लिखना है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इस सवाल को भी फिर दोबारा दोहराना लाजमी ही होता है, एक्स की पावर 2 माइनस 11 एक्स माइनस 152 इज इक्वल टू सिफर, यहाँ मैं आपको बताइए 152 था ये सिर्फ बराबर के दूसरे साइड था, यहाँ पर जब ले आए यहाँ माइनस ही होगा।
एक्स पावर टू माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 है, क्योंकि मैंने यहाँ इससे ज़र्ब दिया, फिर ये जो मैंने जोड़े बनाए ताकि ये जोड़ा ज़र्ब कहते 152 हो जाए, अगर नफ़ी जमा होता है 11 हो जाए, इसीलिए ये 19x प्लस 8 माइनस 19 प्लस x प्लस 8x ये जवाब आया। x इज इक्वल टू x माइनस 19 प्लस 8 x माइनस x प्लस 8 x माइनस इक्वल टू 0, x प्लस 8 एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 19, एक्स बराबर माइनस 8, एक्स बराबर माइनस 8, ये जो हमारा सोल्यूशन आया ये ही आया है। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास जवाब होगा इस सवाल के, जो सवाल हैं जो इस बाकी एक ही सवाल मेरे ख्याल में रहता है वो सवाल, मैं आपको ये बता चलूँ कि बाकी सिर्फ हमारे पास जो सवाल रहते हैं सिर्फ दो ही रहते हैं इस सवाल के, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 520। और ये मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, ये सवाल नहीं है, इस सवाल को मैंने पहले समझा दिया था, ये मेरे ख्याल में वही सवाल है जो पहले आपको पहले भी बता चुका, लेकिन यहाँ से इस सवाल का यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ तक जवाब वही आता है, फिर मैं आपने आपको पहले भी बताया है जो पहली जोज में होगा, मेरे ख्याल में पहली जोज में होगा वो सवाल ये है, पहली जोज में आपको बताता चलो को पहली जोज में जो पहला सवाल था वो सवाल, लेकिन अगर नहीं है तो मैं फिर भी आपको समझाने के लिए तैयार हूँ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। ये सवाल है मेरे भैया, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये देखिए मैंने जब इसको यहाँ से लिया तो फिर यहाँ से मैंने लिया, फिर मैंने सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिया, सबसे पहले मैंने सवाल लिखा, सवाल के साथ इसका सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के साथ फिर इसी सवाल को, इस सवाल को मैंने फिर इस यहाँ इस पर दोहराया, फिर मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, ये जवाब है। इसके साथ ही मैंने जब इसको तकसीम किया तो जवाब एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, फिर जब इनको मैंने इस पर तकसीम किया तो x की पावर 2 है या फिर ये जवाब है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँ कि x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, मैं आपको ये बताऊँ जो ये x प्लस 1 है ये मुरब्बा है x a प्लस बी का मुरब्बा, यही वही प्लस है वही फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ, फिर मैंने x की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2x, फिर यही जवाब आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये वही है 25 वोल्ट यहाँ x की पावर 2 प्लस एक्स, क्योंकि यह मैं आपको बताना चाहूँ ये एक्स जब इससे एक्स ज़र्ब कहेगा, एक्स पावर टू जब इसके साथ ज़र्ब एक्स होगा, यहाँ पर फिर 12 है, 12 को फिर यहाँ दूसरे सेट ले लेंगे, यहाँ फिर 25 है जब इसको यहाँ पर ले आए 25, ये देखिए आप यहाँ पर जब ले आए 25 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, फिर जब इन रकम को यहाँ पर लाया गया तो 12 एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 25 एक्स प्लस 25 एक्स होगा, 25x की पावर 2 प्लस 25x होगा, यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ कि 24x की पावर 2 प्लस 24x प्लस 12, इसके साथ ही 25x की पावर 2 यहाँ से माइनस करेंगे 26x को, यहाँ 25x है माइनस 24x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की पावर 2 प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू x, x प्लस 4 माइनस x प्लस 4, इसे आपको दिखाई दे रहा है x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू x, यहाँ पर मैंने फिर कॉमन लिया है इन x की पावर 2 प्लस 4x से, मैंने यहाँ पर कॉमन लिया x प्लस 4, यहाँ पर ये आपको जवाब देखे माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स 3x इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3, ये आपको जवाब दे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये जवाब हमारे पास आया तो एक बार इसको एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बराबर का फिर इस जवाब को इसके साथ ही मैंने रख दिया है, सबसे पहले एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जब एक्स को यहाँ 3 इसको यहाँ ले आएंगे एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा, जब एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है एक्स प्लस माइनस 4 आएगा, इसके साथ ही मैं आपको जवाब ले चलूँ कि जो हमारे पास जवाब होगा वो जवाब ये ही होगा, ये आपको जवाब दिखाई दे रहा है। इसके पास मैं आपको ये कहूँ मेरे ख्याल में लास्ट ही क्वेश्चन होगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है इस सवाल का, लास्ट ही जो है सबसे पहले जो हमारा ये सवाल है 2 बट्टा एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 बट्टा एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 4, यहाँ सोल्यूशन लिखा है, सोल्यूशन हर सवाल के से हल करने से पहले लिखना ही होता है ताकि एग्जामिनर से नंबर छीने जा सकें। इसके साथ ही मैंने ये सवाल को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि बच्चे भूल ना जाए, जब ये सवाल को यहाँ लिखना भूल जाते हैं तो यहाँ सवाल गलत भी हो सकता है। इसके सवाल साथ ही मैंने यहाँ हल करना शुरू कर दिया, सबसे पहले मैंने इन चीज़ों का
सबसे पहले मैंने इन चीज़ों का यहाँ LCM लिया, आप देख रहे हैं LCM मैंने लिए हुए है। इस जब मैंने इसका LCM लिया तो जब ये एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक्स टू माइनस एक्स माइनस फोर एक्स पावर टू माइनस सेवन एक्स इज प्लस फोर। यहाँ पर टू एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन एक्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलो कि एक्स मैंने प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, इस एक्स से इसका आंसर कर दे, ये माइनस का फोर, ये प्लस का थ्री, या माइनस का वन आएगा, ये एक्स माइनस टू एक्स पावर टू माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी। फिर मैंने इसको यहाँ ले आया और इसको यहाँ ले गया, टू एक्स पावर टू माइनस एक्स प्लस फोर माइनस एक्स, ये देखे टू एक्स पावर टू माइनस फोर एक्स फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस नाइन। फिर आप देखो दिखे रहे टू एक्स माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर माइनस नाइन इज इक्वल टू सिक्स। फिर मैंने कर दिया, फिर टू यहाँ पर मैं आपको बताइए ये माइनस है, जब इक्वल के एक साइड होगा माइनस, जब दूसरी साइड लेगा तो प्लस होगा तो जमा का माइनस का होगा, माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस होगा तो कन्वर्ट सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखें आप टू एक्स पावर टू माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर माइनस नाइन, यहाँ पर मैंने फिर दो को कमा लिया, एक्स माइनस फाइव आ गया, यहाँ पर मैंने जब कमा लिया तो एक्स माइनस टू फाइव आ गया, यहाँ थ्री को मैंने कमा लिया एक्स माइनस नाइन फाइव आ गया इज इक्वल टू सिफेर। फिर मैंने एक्स टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिफर इज इक्वल टू सिफेर मैंने लिख दिया। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि फिर इन इसको टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू सिफर को मैंने इसके बराबर रख दिया, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू सिफर, इधर यहाँ मैंने लिख यहाँ इधर लिखना होता है, हर किसी को इधर लिखना होगा, अगर आप उर्दू मीडियम में कर रहे हैं तो यहाँ पढ़ता लिखेंगे पढ़ता लिखे, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो यहाँ इधर लिखना होगा, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू सिफर टू एक्स इक्वल टू थ्री। जब कलवाड़ दूसरी तरफ होगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो जम्मा ही में माइनस का है तो जम्मा में तब्दील हो जाएगा, और जम्मा का है तो माइनस में तब्दील होगा। इधर फिर यहाँ एक्स को यहाँ रख देंगे, एक्स इज इक्वल टू थ्री बटा टू है, दूसरी तरफ ले चलते हैं कि यहाँ क्या होता है, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सिफर, एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। आपको देख रहे हैं जो हमारे पास सोल्यूशन होगा, यह सोल्यूशन है फाइव थ्री बटा टू, ये फाइव ये है और थ्री बटा टू ये है। उम्मीद काफ़ी होगी ये सवाल आपको बहुत ही खूब समझ होंगे, उम्मीद काफ़ी होगी कि आप सबसे पहले हमारे टीवी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बार बार बना सकें, बेहतरीन वीडियो आपको होगी आपके लिए और हमारे लिए भी बेहतरीन वीडियो होगी। चलो मिलते हैं अगले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।